यूपी बोर्ड ने मंगलवार की दोपहर 10वीं और 12वीं के बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित कर दिए। हापुड़ जनपद की बात करें तो कक्षा 10वीं में प्राची और दीप्ति ने संयुक्त रूप से समान अंक हासिल कर जिले में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जनता इंटर कॉलेज हज्जूपुर डहाना की छात्रा प्राची ने 600 में से 575 अंक हासिल कर 95.83% नंबर प्राप्त किए हैं। प्राची ने जनपद टॉप किया है। ऐसे मतनावली गांव में खुशी का माहौल है। सभी प्राची को बधाई दे रहे हैं। प्राची ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दिया है। तो वहीं प्राची के पिता सुनील को जब पता चला कि उनकी बेटी ने जिला टॉप किया है तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। माँ ललिता ने बताया कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि प्राची जनपद टॉपर बनेगी। सर, मुझे महसूस बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे परिवार ने मेरे लिए बहुत सपोर्ट करा है, मेरे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट करा है, मेरी जो भी प्रॉब्लम थी सबको एकदम अच्छे से सॉल्व करा है, उससे ज़्यादा ही बताया मुझे। और सर, मम्मी पापा ने बिल्कुल कमी नहीं छोड़ी किसी भी चीज़ में। बहुत ही खुशी है मुझे, तो बस मुझे तो बहुत उम्मीद है इतना, पर हाँ उससे ज़्यादा ही करा जितने मैंने सोचा ना, उससे भी ज़्यादा करा। कहती तो थी कि टॉपी करना, पर उससे ज़्यादा करा। इस अवसर पर स्कूल के शिक्षकों में भी खुशी की लहर है, जिन्होंने छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। ये स्कूल के लिए बहुत गौरव का क्षण है और इसकी स्थापना जब से हुई है 1968 से पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारी किसी बच्चे ने जनपद टॉप किया है। और सारा क्रेडिट मैं बच्चे को दूंगा और उसके कक्षा अध्यापकों को जो उसे पढ़ाया, और ये विद्यालय के लिए गौरव का क्षण है। और उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो है विद्यालय का नाम और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करते रहे। आपको बता दें कि जैसे ही परिणाम घोषित हुए तो प्राची के परिजनों के फोन घनघनाने लगे। गांव मतनावली के ग्रामीण प्राची के घर पहुंचे और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी।